थोड़ी सेवा करी सकन। सारी भावना से सेवा दी है, थोड़े ने काम कर रहे हैं, अपना कोई लालच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। इंडियन नेशनल का आगे बढ़ो, श्री भेद मायन जी सारे अक्षर से और इधर करने गए नहीं, उसके साथ भी चौधरी लाल सिंह जी, जिनके बारे में अगर इनके ऊपर रोशनी डाले इस सेगमेंट से कैंडिडेट में, तो उसके साथ भी देश के ऊपर खतरा, और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो हमारे संविधान के ऊपर है। पार्टी का मौका रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया रामपाल जी। मेरी सभी बच्चाओं से मुझे पता है, साथ सीनियर साथी हैं और बड़े परेशान है सरकार से, सभी बच्चाओं से जो आने वाले सीनियर साथी हैं, उनसे निवेदन करूंगा। राहुल गांधी जी कहते हैं युवा को रोजगार की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, व्यापारी के हित की बात करते हैं, और देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई की बात करते हैं, देश के अंदर ड्रग्स का जो माफिया चल रहा है, मैंने माफिया के खिलाफ बात करते हैं हम और आप सब लोग। इसको कौन चला रहा है, इसको कौन चला रहा है, कौन समर्थन दे रहा है, आप और हम सब जानते हैं। ये 10 वर्षों में जो हमारे सांसद रहे हैं, कितनी बार आपको दिखे, आपको दिखे किसी को, आपको कैसा सांसद चाहिए जो दिखे नहीं। और इस तरीके से बीजेपी के अंदर बड़ा परेशान है, उनके हालों को जानते मगर अपने कार्यकर्ताओं। धन्यवाद। आप मैं पूर्व में मंत्री रहे, पैंथर पार्टी के चेयरमैन और पापलो नेता हमारे, और लाल सिंह जी को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे ये लगता है कि फैसला अब हो ही चुका है, यही जुनून, यही जज्बा और यही जोश आपका 19 तारीख तक बरकरार रहना चाहिए। साथियों, हमें एक एक जुल्म का हिसाब लेना है। हमारे साथ जो जातियां हुई, जो हमारे साथ गलत हुआ, उसका बदला आपने लेना है 19 तारीख को पटेल दबाकर हाथ का, क्योंकि चौधरी जी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी पार्टियां यहाँ इकट्ठी हुई हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत बड़ा ओहदा मिला था, आप चाहते तो ये उधमपुर कठुआ की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत आगे जाती, लेकिन आपने किया ही कुछ नहीं। आप किसी से मिले नहीं, आप किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गई गए, आपको गरीब तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, आपको बेरोजगारों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, आपने कभी हमारे टेलीविजन कैजुअल मेंबरों की बात नहीं की, आपने कभी जो 15 साल पहले आंगनबाड़ियों की तनख्वाह बढ़ी थी उनकी बात नहीं की, कभी हमने आपकी आवाज पार्लियामेंट पे नहीं सुनी। इसलिए माफ करो, आप वही क्लिनिक पे जाओ, लोगों का शुगर बढ़ चुका है 10 साल में, उनके शुगर का इलाज करो। अब अगर किसी को ये पार्लियामेंट चलाना है, वो चलाएगा हमारा शेर चौधरी लाल से, और बड़ी लीड से जीतेगा। बहुत सारे गुना बीजेपी ने 10 सालों में किए, यहां स्मार्ट मीटर कारगर लगे। मैं चौधरी लाल सिंह जी को ये वचन देना चाहता हूं, एक बार हमको सत्ता में लाओ, ये जो स्मार्ट मीटर जम्मू कश्मीर कठुआ हर जगह लगे हैं, इनको हम नालू में फेंक के तभी और चारों में फेंकते हैं। चौधरी लाल सिंह को 5 लाख की वोट से जीतना है। चौधरी लाल सिंह जी आपके नेता है, जनता के नेता है, और कांग्रेस पार्टी के भी नेता है। आने वाले समय में राहुल जी ने जो 5 न्याय का प्रोग्राम दिया है, जिसमें भागीदारी की बात की है कि देश की जनता के 140 करोड़ लोग देश की संपत्ति, देश का टैक्स, देश की आमदनी, देश का फाइनेंस,
ये सब में उसकी भागीदारी चाहिए, आरक्षण में भागीदारी चाहिए, काम में भागीदारी चाहिए, उसी तरह युवाओं के लिए रोजगारी में भागीदारी चाहिए, उसी तरह उनको पढ़ाई में भागीदारी चाहिए, किसानों को उनका MSP मिलना चाहिए जिसके लिए बेचारे वो अपनी जान गंवा रहे, बलिदान दे रहे। वो लड़ाई में आपका एक एक वोट लालसी जी को जिताकर उन 140 करोड़ लोगों का साथ देने वाला है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें सरकार इंडिया की बनेगी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। छीने वो सरकार कमी है, जो सरकार नौकरियां छीने वो सरकार कमी है, जो सरकार पढ़ाई छीने वो सरकार कमी है, वो जो सरकार ने कमी है वो सरकार बदलनी है। जोरी बोलो, जो सरकार ने कमी है वो सरकार बदलनी है। इंजा करिए ओ देहली मुठ बीच के आई बीच ने ओए खड़े मुठ कड़क नासा फाड़ा इन्हें। मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो मैं उन मुजफ्फराबादी पुंछियों को चकीन दिलाता हूं जो यहां कम से कम 10-15 लाख वोट है। बेशक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम है लेकिन जम्मू में बहुत वोट है, इसलिए मैं वादा करता हूं ये कानून समझाऊंगा। जो कानून इनके हक के लिए मिला था, किसी ने आपके बाप के घर से नहीं दी थी और ना इनकी थी जिन्होंने छीनी, छीनने की बात कर रहे हैं। और दूसरा नंबर, लोगों के घरों में तख्तियां आ रही हैं, ये स्टेट लैंड है, ये सरकारी जमीन है। सरकार बनाता कौन है, कौन बनाता? आखो असि इंजा बोला कर लोग तो फसे नहीं होते, कौन बनाता? असि बनाने आ, कौन जले सरकार असि बनाने आ, ते सरकार दी इट भी साड़ी, ते पत्थर भी साड़ा, जमीन भी साड़ी, दफ्तर भी साड़ा, और जेड़े उत्थे काम करा गए वो साड़े के न शौर्य बोलो। और अज इंजा लगता असि नौकर है ना, नहीं बनना, लाल सिंह ने नहीं छड़ना, भाई जो मर्जी कर रहा है। किन्ना एरोगेंट, किन्नी तहजीब, और मैं कहना बदतमीजी, ओए होए, लोगों को मिलना नहीं, तू आ गया भाई, भाई दी मैं पूछना चाहना, कोई भी लीडर जो बैठे थे तुम बोल रही कहो लीडर कोई बन सकते, तुम मोयो अपने आप भी पावरफुल समझा करो। जिन्ना थोड़ा प्यार भी मिलता है, मेरी कमिटमेंट का लेवल इतना और ज्यादा बदी ना थोड़े आस्ते, अगर मेरे खून दे कोई भी कतरा पीस पीस करिए थोड़ी तरक्की हो सकती है तो मैं तेरे ही तैयार है। अगर ये जंग तलवार की होंगी, बंदूक की होंगी, लोकतंत्र की नहीं होंगी, तो सारे चरखे मारी उड़े होने, चरखे खत्म किए होने, बेईमान लोग ने। अफसोस लगता है असें लोकें इन्नी दूर श्रद्धा पढ़ाई है, डोगरा मीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होने डोगरा जिन्हें श्रद्धा बनाई है। लद्दाख असें जीते, आज तू सीट लै देना तुझे, लद्दाख की सीट भी हमारी, लेकिन अगर वो डोगरा ना होते जो चाइनी होते हमने जीते हुए, चीन का लग रहा है, इसलिए चीन आज भी मार पड़ा। और कभी आपको खतरा लगे इस देश के किसी भी बड़े बड़े नेताओं को भी ये हमारा इलाका जा रहा है, मुझे हुक्म करना, मैं 1 लाख डोगरी की भर्ती मेरी करवा दो, ये पुत्र तुम्हारा पूरा चाइना ने छीन कर पूरा मार रहा। मैं जानता हूं जिस जगह फौज जूते से रखे यहां तक ढकी हुई बा, हमारे लोग चूड़ीदार पजामा और हाथ में तलवार और सभा डाल के -degree में जंग जीती है। जो बार कोल्डस बार हमने जीती, हमारे बुजुर्गों ने जीती है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोलते रहे तो रोने चाहिए थे,
मैं कभी नहीं आख्या ते ये इन्ने बेईमान इन्हें खिलाफ कोई नहीं रोना चाहिए जड़ी दिया है। आप याद करो अटल जी ने स्पीच की वो यूट्यूब में देखना, आई वॉज एमपी थे और भरत सिंह साकी को पता है, वो कहते हिंदुस्तान की ऐसी पार्लियामेंट जो है इसके मुकाबले की पार्लियामेंट कोई नहीं है, इतना बढ़िया डेमोक्रेसी का लोकतंत्र है। मैं एक्सट्रीम बात करता हूं लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है, आज आपको सही बात करने का अधिकार नहीं है आपको। अदर बड़े बड़े ऐसे मिगी गलाया थे पढ़ाओ काम खराब, मैं बर्दाश्त ही कर सकता असी कोई ये तुसें इंजीनियर खड़ा कर रही था, आई एम वेरी सॉरी। इसके लिए मैं सारे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेरोजगारी का आलम भी ऐसा है, नंबर सेकंड है सर, दो नंबर पर बेरोजगारी हिंदुस्तान चल रहा है, दूसरे नंबर आई है जरा सड़क कोई नंबर नहीं ठीक ठाक हालात है। अगर इन्हें बेईमान बैठे और साल छह महीने लाई उन्हें 800 एमपी है इसी शुगर ठीक करने में नहीं आती तो गलत फहमी जो गलत फहमी ही तो मत लोग मरवाने इतो छड़काई उधर सोने कल इतने सारे पूछे कराओ। इस करिए भरावा गल यह है और कोई नहीं चाहे वो एद बाद मैं कहना चाहना जिन्ना नुकसान थोड़ा ही है एडी काली रात थोड़े में पेरी ही इस काली रात की उन्हीं सी एक साफ सुंदर और एक बढ़िया उजाला ले आओ ताकि सारी जिंदगी सारी अच्छी बन सके। भी अरे बड़ा सीमिया ही मांगता था बेटी उसके घर में खेलो, खेल रहा हूं पुत्र तुम ही खेल ले। हाँ मैं चैलेंज से कहता हूं मैं इस पे छलांग मार के चढ़ूंगा, उसको कहो तू चढ़ के दिखा रहे तो मैं तुझे ही जिता दू, चलने आंदा नहीं ऐ माओ भी नहीं जुड़ता त्रौकड़ा जब पुत्र परसियां खड़ा। इस करिए बड़ी क्लियर गल है, 200 दिन तक थोड़ा कोई कख नहीं बगाड़ी सकता, 200 दिन तक अगर सरकार तुसा बना ली तो फिर तो बिगड़ना ही नहीं। जय टुक्कर जय टुक्कर जय सरकार सभी ने अच्छी ने सरकार निकम्मी है तख्त बदल दो ताज बदल दो तुम जितने भी लोग इतने आए दे ये जंग सलाब लोगों की खुंदक है खुंदक और इसको खुंदक को इस खुंदक को वो ठीक करने के लिए ये जंग सलाब है, ये खुंदक है पूरी जो निकालनी है इस बार। जनता बदलाव चाहती है इसलिए आज बाहर और इसलिए तो आए हैं, उनको केड़ी कोई वहां चाह चढ़ रहा है इसीलिए तो आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, वो विधानसभा जो विधानगर है वहां से आए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि बारिश उनको उनको समझ आ गई कि इस लोगों ने यहां का जो जम्मू का नुकसान किया है अब उधर रहने ठीक नहीं है, लोगों के खिलाफ है, ज्वाइन किया उन्होंने। आए हर्षदेव जी पहुंचे, कितना समर्थन जो है बाकी पार्टियों को मिल रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे साथी जितने भी पार्टी हैं अलायंस की सब ने समर्थन किया है और हम की वेलकम करते हैं, इस बात का स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि ये अपने अपने इलाकों में जो भी कमी है पूरी करेंगे उसको ठीक करेंगे। आवाम के लिए क्या संदेश रहेगा चौधरी लाल सिंह का? किसको देना संदेश? आवाम के लिए संदेश है कि दबके वोट पाओ बेगी जिताओ और अपने हकों के लिए लड़ो, उन्होंने तो चंद्र में भी लोग पहुंचाए लेकिन तरना लाला नहीं टपोया कठुआ। फ्यूल बातें हम नहीं करते, समय में हमें अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, मुझे बीजेपी में ये आंख दिख रही है, इसको निकालना मैंने। चौधरी साहब के कांग्रेस में आने के बाद कितनी मजबूती है? आप देखो ये मजबूती है क्या?